कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस नोट जारी कर ऐलान किया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में नहीं जाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बताते हुए कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। बीजेपी और आरएसएस की ओर से अयोध्या में अधूरे मंदिर का उद्घाटन चुनावी फायदे को देखते हुए किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को एक राजनीतिक प्रोजेक्ट बना रखा है। भगवान के आड़ में ये लोग वोट ले रहे हैं, अगर हिम्मत है तो रोजगार देकर वोट ले, स्वास्थ्य शिक्षा पर वोट ले, भाईचारे बंदी पर कर ले, अर्थव्यवस्था पर कर ले। अर्थव्यवस्था थोड़ा बढ़ रही है, अरे भारत की पॉपुलेशन इतनी अधिक है, कंजम्पशन ही इतना अधिक है, तो नेचुरली थोड़ा बहुत ग्रोथ तो लेगी लोगी, तो बड़ा अच्छा किया है और किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है। इससे पहले राम मंदिर निमंत्रण पर कांग्रेस ने कहा था कि वो सही समय आने पर फैसला करेगी कि राम मंदिर कार्यक्रम में कौन शामिल होगा। बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का राम विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। वो कांग्रेस ही थी जिसकी सरकार ने अदालत में भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। जिन लोगों ने राम को पहले ही काल्पनिक सिद्ध करने के लिए लड़ाइयां लड़ी हों, जिन्होंने भगवान राम का मंदिर न बनने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए हों सुप्रीम कोर्ट में, वो आज किस मुंह से जाएंगे? ये तो न्यास का बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसे कई लोगों को न्योता भेजा है। लेकिन मेरा मानना है कि जिसके दिल में ही राम नहीं है, वो आंखों में लाने की कोशिश भी कैसे करेगा। कांग्रेस के इस फैसले के बाद एक्स पर हिंदू विरोधी और विनाशकाले जैसे हैशटैग्स दिखाई देने लगे हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस के इस फैसले का विरोध बीजेपी और हिंदू संगठन तो कर ही रहे हैं, संभावना इस बात की भी है कि इस फैसले का विरोध कांग्रेस के भीतर भी देखने को मिले। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि श्रीराम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने का कांग्रेस का फैसला राजनीतिक तौर पर दूरदर्शी फैसला माना जा सकता है? इसको कब्जा कर लिए, वो कह रहे हैं, उनको कहने दो, सीरियसली क्यों लेते हो उनके पास, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाके, छोड़ो। हाल के सालों में कांग्रेस से मुस्लिम वोट बैंक दूर हुआ है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस के सिमटते जनाधार का एक कारण यह भी है कि पार्टी के कोर समर्थक ने उसकी जगह क्षेत्रीय दलों को तरजीह दी है। अगर बात यूपी की ही करें तो 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 80 में से 21 सीटें जीती थीं और वो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 25% मुस्लिम वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 11% मुस्लिम वोट मिले, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14% मुस्लिम वोट मिले। हालांकि बीजेपी को भी 11% मुसलमानों ने वोट दिया। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मुस्लिम वोटों को हर सूरत में अपने पाले में करना चाहती है। खास बात यह है कि पार्टी आलाकमान ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब कर्नाटक में खुद उसकी सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रदेश के सभी मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाएं की जाएंगी। राज्य के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार ने तो यहां तक कहा कि अंततः हम सब हिंदू हैं।
कांग्रेस के ताजा बयान के उलट शिवकुमार ने कहा था कि राम मंदिर कोई निजी संपत्ति नहीं है बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है। अब कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर डेप्यूटी सीएम शिवकुमार से दोबारा सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साधे रखना ही मुनासिब समझा। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कई बड़े नेताओं, खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज को बुलावा भेजा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे विपक्षी नेता भी शामिल हैं। देखना होगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने का फैसला केवल कांग्रेस का है या इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी यही रुख अपनाते हैं। बहरहाल कांग्रेस के फैसले से ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या पार्टी नेतृत्व आम जन की भावनाएं समझने की बजाय वामपंथी झुकाव वाले कुछ खास नेताओं की बात को ज्यादा तवज्जो देता है। चुनाव आज तक।